नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र गढ़ी में। जी हाँ मित्रों, जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए लेटेस्ट जो न्यूज़ है, जूनियर शिक्षक भर्ती, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अवगत कराया था कि जो अध्याचन है उसमें रिक्त पदों का जो विवरण मांगा गया था और उस समय एक लिमिटेड टाइम दिया था, उसके संबंध में आप सभी के ढेर सारी क्वेरीज, क्वेश्चन और कई विद्यार्थियों के व्हाट्सएप मैसेज और कॉल भी आए थे। काफ़ी ढेर सारी क्वेरीज आ रही थी आप सभी की, तो उसमें क्या क्या क्वेरी थी, तो सभी क्वेरीज को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मित्रों। इसलिए वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखें, जिससे आने वाली भर्ती नोटिफिकेशन आदि संबंधी जो भी क्वेरी है, परीक्षा कब तक होगी, क्या इसका कुछ रहेगा, वह सारी क्वेरी आपको देखने को उसमें मिलेंगी। तो पदों की बात करें मित्रों, तो पद आपके 4300 पद हैं जो कि एडेड जूनियर सहायता प्राप्त विद्यालयों में रिक्त पदों के विवरण के अकॉर्डिंग है। तो इतने लगभग इतने पदों पर विज्ञापन यानी कि भर्ती आने वाली है जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए मित्रों। तो उसमें सबसे पहला क्वेरी आपकी थी कि क्या इसका सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम क्या क्या रहने वाला है मित्रों, क्या सब्जेक्ट रहेंगे या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, साइंस वालों के लिए और आर्ट वालों के लिए क्या कुछ रहेगा मित्रों, और योग्यता क्या क्या रहेगी, बीएड रहेगी या बीटीसी रहेगी, सभी इसमें चर्चा करेंगे। और जो है आपके ढेर सारी क्वेरीज थी कि परीक्षा कब तक संपन्न कराई जाएगी मित्रों, परीक्षा लिखित होगी या ऑब्जेक्टिव होगी, यूपी टेट सी टेट लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो किस स्तर का लगेगा, मेरिट आपकी किस प्रकार बनेगी, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये सारी आप सभी की ढेर सारी क्वेरीज थी जिनको एक एक करके हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और कंप्लीट आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं मित्रों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियोस और उत्तर प्रदेश में आने वाली लेटेस्ट शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको नोटिफिकेशन समय से, और क्या इसमें आपको रणनीति बनानी होगी, किस तरह आप इसकी तैयारी करेंगे मित्रों, वह सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला ही जो है सबसे बड़ा, जैसा कि मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि अब एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जो होगी वो परीक्षा के माध्यम से होगी। जी हाँ मित्रों, जो कि मैंने आपको बताया था सहायता प्राप्त जो एडेड विद्यालय हैं उसमें न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, तो इसमें परीक्षा के माध्यम से होगी, जो भी भर्ती होगी वो परीक्षा के द्वारा होगी। और इस भर्ती में का जो अध्याचन है वह भी आपको शो कराऊंगा, और जो सहायता प्राप्त जो जूनियर हाई स्कूल थे उसमें सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पद थे उनके भी आपको अवगत कराएंगे मित्रों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 29 तारीख को अध्याचन जो सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों को भेजा गया था, जिसे आप देख पा रहे हैं वही अध्याचन है मित्रों, जिसे जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जूम करके आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि यह भेजना था कि आज ही यानी कि 29 तारीख को उन विद्यालयों के द्वारा एक फॉर्मेट के रूप में कितने कितने पद रिक्त हैं आदि करके ये फॉर्मेट के रूप में भेजना था, और विलंब कदापि ना किया जाए, अगर विलंब किया जाता है तो स्वयं वह जिम्मेदार उत्तरदायी ही होंगे। यह इसकी जो लाइन है वो काफ़ी अहम है मित्रों, इसलिए जल्द ही आपको कुछ ही दिनों में भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन या विज्ञापन देखने को मिल जाएगा मित्रों। चलिए बढ़ते हैं आपकी ढेर सारी क्वेरीज की ओर। तो पहली आपकी क्वेरीज थी कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, सब्जेक्ट क्या रहेंगे मित्रों। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन साइंस या आर्ट के लिए ऐसा कोई मायने नहीं रखेगा मित्रों कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर्ट वाले इसको फिल कर पाएंगे या साइंस वाले फिल कर पाएंगे, क्योंकि जूनियर लेवल की भर्ती है तो इसमें सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन देखा जाता है वो LT और जिसमें आपकी 9th 10th आदि में देखा जाता है, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई मायने नहीं रखेगा मित्रों, याद रखेंगे। अगर आप आर्ट के हैं तब भी, और यदि आप साइंस वर्ग से हैं तब भी आप इसमें जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे मित्रों। नेक्स्ट आपका सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है मित्रों। तो पाठ्यक्रम के संबंध में जैसा कि मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो बेसिक शिक्षा परिषद प्राइमरी लेवल का यानी जो सुपर टेट हुआ था 69,000 भर्ती को लेकर के, वही आपका सिलेबस रहने वाला है। जो उसका लेवल था वो 1 से लेकर के 10 तक था, लेकिन आपका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो लेवल है वो 12 स्तर तक का पहुंच जाएगा। जी हाँ मित्रों, सिलेबस और पाठ्यक्रम वही रहने वाला है, लेकिन जो लेवल है आपके जो एग्ज़ाम का लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और आपके 12 स्तर का यानी कि जो क्वेश्चंस हैं वह इसमें पूछे जाने वाले होंगे मित्रों। नेक्स्ट है आपकी योग्यता क्या रहेगी। तो देखिए, इसके लिए योग्यता के लिए आपको बीएड
बीटीसी दोनों को ही एलिजिबल कर दिया गया है मित्रों, बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपकी जो ग्रेजुएशन है यानी कि आपकी ग्रेजुएशन है उसमें 50% आपको आपके जो मार्क्स हैं उसमें आपने अचीव किए हों, प्राप्त किए हों, और आरक्षित एवं अनारक्षित के लिए जो बेसिक शिक्षक नियमावली है उसके अकॉर्डिंग जो छूट का प्रावधान है आयु एवं इसमें वह भी बिल्कुल इसमें रहेगा मित्रों, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। नेक्स्ट आपका परीक्षा लिखित होगी या ऑब्जेक्टिव होगी। देखो शासन स्तर पर काफ़ी एक्टिव हो चुका है काफ़ी, अब देखो कई बार लिखित परीक्षा में ढेर सारी क्वेरीज और ढेर सारी रुकावटें आ जाती हैं, और जो कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा है जैसा कि प्राइमरी सुपर टेट हुआ था सेम उसी के स्तर पर ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा होने वाली है, और वही जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज जरूर होगा, तो जो आपकी परीक्षा का स्तर होगा यानी परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी ना कि लिखित परीक्षा रहेगी मित्रों। नेक्स्ट आपका यूपी टेट सी टेट लगेगा या नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो किस स्तर का लगेगा। तो देखिए यूपी टेट और सी टेट आपने अगर क्वालिफाई कर रखा है तो उनका जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस भर्ती में आप उसका उपयोग कर पाएंगे, वैसे तो आने वाली और भर्तियों में उपयोग करेंगे, लेकिन अब आपको जो यूपी टेट का जूनियर लेवल का जो आपने यूपी टेट या 6 से यानी जूनियर स्तर का अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है यूपी टेट हो या सी टेट हो तो आप इस भर्ती में के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, यानी कि आपको यूपी टेट या हो या सी टेट जूनियर लेवल का क्वालिफाई होना बेहद आवश्यक है मित्रों, और ये लगेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहने वाली है मित्रों, जैसा कि आपने प्राइमरी का जो सुपर टेट देखा था उसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी, तो यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगी, इसको लेकर के आप बिल्कुल परेशान ना हो। नेक्स्ट आपका परीक्षा कब तक होगी मित्रों, तो देखिए परीक्षा के संबंध में परीक्षा का जो है जो अध्याचन है जो 29 जून तक उन्होंने के द्वारा जो रिक्त पदों का विवरण है वो शासन को प्रोवाइड कर दिया, तो उसको लेकर के जो एक अनुमानित आंकड़ा है कि जो आपकी परीक्षा नवंबर यानी नवंबर के अंतिम वीक्स या आपके दिसंबर के प्रथम वीक्स में इस परीक्षा को संपन्न कराए जाने की संभावना एक सूत्रों के हवाले से दर्शाई जा रही, इसलिए आपके पास इस परीक्षा को तैयारी करने के लिए अभी से जुट जाइए, और आपको पर्याप्त समय क्या रणनीति बनानी है वह भी मैं इस वीडियो में बिल्कुल चर्चा करूंगा मित्रों। तो जो परीक्षा की जो तिथि है या परीक्षा के कब तक होगी तो उसके संबंध में नवंबर या नवंबर में मध्यम मिडिल में भी या फिर दिसंबर के प्रथम वीक्स में संपन्न कराई जा सकती है मित्रों। और बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि मेरिट क्या रहेगी मित्रों, जैसा कि मेरिट आपके प्राइमरी का जो सुपर टेट हुआ था प्राइमरी लेवल का उसमें मेरिट जो थी आपकी कि आपके 10-10% आपके एकेडमिक के यानी कि 40% आपका जो है एकेडमिक का लिया गया था और 60% आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए गए थे, तो वही रहने वाली है 60% आपके सुपर टेट एग्जाम्स के यानी जो जूनियर सुपर टेट होगा उसके रहेंगे, और 40% जो भी आपने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी का जो 10-10 यानी 10-10% था उसका योग रख करके इस तरह का एक पूरी तरीके से मेरिट तैयार की जाएगी मित्रों। और बात करते हैं अब उन विद्यार्थियों की, देखिए प्रीवियस जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी तो आप सभी के कई विद्यार्थियों की इसमें ढेर सारी कमेंट्स आई कि एक और यूपी में नया झुमला, क्योंकि यूपी में शिक्षक भर्ती आना ही एक तरह से फंसना होता है, इस तरह की ढेर सारी नेगेटिव कमेंट्स इसमें आती रहेंगी मित्रों, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं आपको, क्योंकि देखो प्रत्येक भर्ती में दो तरह के लोग शामिल होते हैं, एक वे तरह प्रकार का लोग शामिल होते हैं या उस प्रकार के विद्यार्थी शामिल होते हैं जो सिर्फ फॉर्म फिल करते हैं और उसकी संख्या यानी कि भीड़ बढ़ाते हैं मित्रों, सिर्फ और फॉर्म फिल करने की और या उस एग्जाम में बैठने की यानी उस एग्जाम में संख्या को इंक्रीज करने की ये भीड़ बढ़ाते हैं, और दूसरे लेवल के जो विद्यार्थी होते हैं वह उस स्तर की या उस लेवल की बेहतर तैयारी करते हैं और अपनी एक सीट के लिए प्रयासरत रहते हैं और वह प्रयत्नशील होकर के लगनशील होकर के मेहनती होकर के अपनी एक सीट प्राप्त भी करते हैं मित्रों। तो आपको जो नेगेटिव यानी कि जो भीड़ बनाने वाले हैं जो कुछ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं इसमें तो उनको बिल्कुल से कमेंट्स को रीड नहीं करना है, उनको इग्नोर कर देना है, क्योंकि काफ़ी आपके आसपास में भी आपको नेगेटिव कमेंट्स देने वाले ढेर सारे आपके पास में मिल जाएंगे मित्रों, इसीलिए बी पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव यानी हमेशा आपको पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि पॉजिटिव ही रहोगे तभी आपके जो माइंड है उसमें सकारात्मक विचार आएंगे, और जो आपकी सकारात्मक विचार आएंगे तो आपकी जो मेहनत है लगन है वह आपके लिए कार्यशील और आपके लिए हेल्पफुल
मानी जाएगी या आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। लेकिन जैसे ही आपके अगर माइंड में थिंकिंग आ जाती है तो नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है तो उसको आपको दूर कर देना होगा, क्योंकि सिर्फ आपको पद चाहिए कितने भी हों, 4300 हों या अन्य अदर हों या और पद हों, तो सिर्फ आपको हमेशा यही प्रयत्नशील रहना है कि हमें तो सिर्फ शिक्षक की एक सीट प्राप्त करनी है और उसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, या इसमें कोई एग्जाम्स हों या इसमें भ्रष्टाचार हो या कोई पेपर लीक हो, ढेर सारी कमेंट्स होंगी और या कुछ भी हो सकता है इसमें, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। आपको सिर्फ माइंड में यही सेट रखना है कि आपको सिर्फ एक सीट प्राप्त करनी है, उसी के लिए हम मेहनत और मेहनती लगनशील हैं और उसी इस स्तर से लेवल करते हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है मित्रों कि कई विद्यार्थी उस लेवल की और उससे अधिक लेवल की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस पर आपका मनोबल कम करने के लिए इस तरह की कमेंट्स भी इसमें सेंड कर देते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन जो है वो ओपन रहता है, सभी के लिए खुला हुआ है, आप जो चाहे कमेंट्स कर सकते हैं। तो कुछ बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं विद्यार्थी और आपके मनोबल के लिए जो यानी अपने स्तर का जो कर पा रहे हैं, धीरे धीरे अपने मन लेवल को बढ़ा रहे हैं, उन विद्यार्थियों को मनोबल को गिराने के लिए आपके या इस तरह की वीडियोस में ढेर सारी नेगेटिव थिंकिंग वाली कमेंट्स इसमें पोस्ट कर देते हैं मित्रों। तो आपको किसी भी कमेंट्स को रीड नहीं करना है, और कमेंट्स का जो अपना आप एक शिक्षक हो तो उसमें मर्यादित कमेंट्स का ही इसमें यूज करेंगे, लेकिन कुछ नेगेटिव होते हैं आप उनको इग्नोर कर दीजिए और आप अपनी बेहतर रणनीति तैयार करेंगे। किस तरह आपकी रणनीति तैयार होगी हम ये अगली वीडियो में आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराएंगे मित्रों। तब तक के लिए बने रहिए अपने परिवार के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निसंक हो चुकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय से लेटेस्ट शिक्षक संबंधी उत्तर प्रदेश में या अन्य कहीं पर राज्य में जो भी संबंधित शिक्षक संबंधी भर्तियाँ हैं आप उसकी तैयारी कर पाएँ, आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिल पाए, ताकि समय से रहते आप उसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएँ, बेहतर रणनीति के साथ कर पाएँ। क्या कुछ रहने वाला है और इसकी किस प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी, तो ये भी आपका परिवार आपके साथ रहेगा मित्रों, इसलिए आप अपने परिवार के साथ ही रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।